न्यूज तक अब नए अंदाज में। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिससे आप लगातार पसंद करते आए हैं। टर्की में इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ महंगाई की वजह से सब कुछ बिगड़ता चला आ रहा है। इस समय हाल बेहद ख़राब हैं और वहाँ की जो करेंसी है लीरा, वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरी है। बीते एक साल में लीरा जो है वो 48% से ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। इसकी वजह से टर्की में महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है और इसे ऐतिहासिक स्थिति बताया जा रहा है। टर्की के इस हाल की वजह अगर एक लाइन में समझें तो सबसे ज़्यादा जो मनमानी नीतियां हैं राष्ट्रपति अर्दोगन की, उसी को बताया जा रहा है। इस वक्त अगर टर्की की बात करें तो वहां पर दूध और ब्रेड के लिए भी लाइनें लग रही हैं, कतारें लग रही हैं राष्ट्रपति अर्दोगन की खराब नीतियों की वजह से। जनता इस कदर परेशान है कि वहां दूध ब्रेड तक के लिए लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं। कारण साफ है कि उनकी कीमतें उनकी पहुंच से बहुत ज़्यादा भार हो चुकी हैं, इसलिए सस्ता दूध ब्रेड लेने के लिए लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। आप इसको ऐसे समझिए कि एक ब्रेड पैकेट की कीमत इस वक्त टर्की में 2.5 लीरा है, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको सस्ती ब्रेड लेनी पड़ेगी, इसलिए आपको लाइनों में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे आधे रेट में सब्सिडाइज आपको ब्रेड पैकेट मिल रहा है, यानी कि 1.25 लीरा, यानी कि जो नेशनल करेंसी है उसमें आपको ब्रेड पैकेट मिलेगा। तो ये आपको साफ हुआ कि वहाँ पर 2.5 लीरा जो पहले एक ब्रेड पैकेट हुआ करता था, वो इस वक्त 1.25 लीरा में आपको सब्सिडाइज रेट पर मिलेगा। टर्की में गेहूं चीनी जैसी बेसिक चीजों में भी करीब 100% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। लोगों को भारी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। कपड़े भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। इसके साथ ही FATF की जो सर्विलांसिंग कैटेगरी होती है उसमें विदेश से जो इन्वेस्टमेंट होता है वो टर्की में काफ़ी कम हो चुका है। टर्की में जो इस समय स्थिति है उसका साफ तौर पर कारण बताया जा रहा है, वो है राष्ट्रपति अर्दोगन की मनमानी नीतियाँ। उन्होंने ब्याज दरों को काफ़ी कम रखा है, लगातार वो ब्याज दर घटाते रहे हैं और व्यवसायियों को लोन काफ़ी ज़्यादा देने के पक्ष में रहे हैं। टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन बीते करीब 2 दशकों से वहाँ की सत्ता में हैं। 2003 में वो प्रधानमंत्री पद पर रहे और 2014 में वो टर्की के राष्ट्रपति बन गए। बीते एक साल में सेंट्रल बैंक के 3 गवर्नर्स को टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो अपने हिसाब से फैसले लेना चाहते हैं। अर्दोगन का मानना है कि ब्याज बिल्कुल गलत चीज़ है, इसलिए वो ब्याज दरों को लगातार घटाते रहे और स्थिति ये हो गई कि टर्की में इस समय खाने के लाले पड़े हुए हैं। साल 2023 में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। टर्की में अर्दोगन का काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हो रहा है। माना ये जा रहा है कि जो युवा हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अर्दोगन की जो नीतियां हैं उनको साफ तौर पर उजागर कर रहे हैं।